इस समय यार हमारे बच्चे तो कोई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोरोना काल की वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं आ रहे हैं, तो वो सारे जो अलाउंस हैं वो बिल्डिंग फंड वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर हमने 2300 पे किया और जब हम हमारी कल मैम से ऑनलाइन मीटिंग भी हुई है मिसेस हेड मिसेस मैम से, तो कहती है अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेज दो, अगर आपको लगता है कि स्कूल की हम पूरी फीस ले रहे हैं तो बच्चों को स्कूल भेज दो। अब उनको इस बात की चिंता नहीं है कि देख लो कि कोरोना चल रहा है, बच्चे स्कूल में कैसे आएंगे। ऑलरेडी स्कूल के टीचर और मैनेजमेंट स्टाफ के कितने ही बंदे पिछले दिन ही पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी सिर्फ फीस से मतलब है। फीस बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, 140% के लगभग जो है इंक्रीज है, ये बहुत ज़्यादा है और जब तक ये वापस नहीं होगी हम लोग ऐसे ही रोज का समय आया हुआ है। कम से कम हमारा साथ दो, फीस ना बढ़ाओ, फीस उतनी रखो, ये बढ़ाने का बहुत दिन आ गई नौबत आ गई है, तो आप 100 बढ़ाओ, 200 रुपये बढ़ाओ, आपने डबल से भी ज़्यादा कर दी है। आप सिचुएशन देखो, कई लोग काम नहीं कर रहे हैं। 500 रुपये किसे बोलते हैं? 2300 रुपये का 5500 रुपये सिस्टम समझ नहीं आया हमें, जो हमारे पास मैसेज आया है आप देखिए प्लीज़ ध्यान से, इतना बुरे समय चल रहे थे। आप समझो कि इतने पहले जनरल क्लास फैमिली के लोगों को कोरोना के टाइम में जिनकी जॉब चली गई है वो शर्मो शर्मी पड़ोसियों से आटे की बोरी नहीं मांग सके और इन्होंने एकदम से डायरेक्टली डबल फीस मांग ली। हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ एक ही चीज़ के अगेंस्ट है कि आपने इतनी फीस क्यों बढ़ा दी, थोड़ा तर्स खा के 100-200 बढ़ा दो, वी वुड लव टू गिव दैट फीस, जैसा कि हम कोरोना में देते रहे हैं अब भी देंगे। हम इनको सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी चाहिए थी, ये एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे किस बेसिस पे ले रहे हैं, कोई भी फीस ना लो। और ये ऑफलाइन क्लासेस क्यों स्टार्ट की है, इतना कोविड का चल रहा है और इनकी टीचर्स पॉजिटिव भी है फिर भी इन्होंने हमारे बच्चों को ऑफलाइन बुलाया हुआ, उनकी भी क्यों नहीं 10th की या 9th की ऑनलाइन क्लास। आज आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे, जो मतलब स्कूल में क्या वजह है आप लोग के आने की? सर हम कई दिनों से वैली पब्लिक स्कूल जा रहे हैं और वो हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे थे सर, और एनुअल चार्जेस मांगा जा रहा है जबकि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप एनुअल चार्जेस नहीं ले सकते, उसके बावजूद भी वो हमें परेशान कर रहे हैं स्कूल वाले और बार बार यही कह रहे हैं कि आप DO से लिखवा कर लेके आएँ, अगर एनुअल चार्जेस आप लिखवा के लेके आते हो कि आप नहीं लेंगे तो हम नहीं ले सकते, लेकिन उसके बावजूद भी DO साहब ने भी लिख दिया है सर, उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहे हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि नहीं अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, हमें लटकाया जा रहा है सर, हमारी सुनी नहीं जा रही है सर। तो कितने बच्चे हैं ऐसे जिनका मतलब कितने बच्चे होंगे जिनको परेशान किया जा रहा है? लगभग 150 हैं सर जिनको परेशान किया जा रहा है, स्कूल में थे वो भी 150 बंदे थे सर, अभी भी वहीं पर रहे सर। यहाँ पर किस उम्मीद से आए आप लोग? हम यहाँ पर सर शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए हैं कि वो एनुअल चार्जेस के बारे में हमारी प्रॉब्लम जो चल रही है उसको शॉर्ट आउट करें सर, ये ज्ञापन लेके आए हैं। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए क्योंकि एनुअल चार्ज की बात करें तो तकरीबन सभी स्कूल जो है, अभी DAV स्कूल का मैटर आपने सुना होगा, DAV स्कूल में एक जो स्टूडेंट था उसने कुछ सुसाइड अटेम्प्ट किया था इस एनुअल चार्ज को लेकर रिपोर्ट कार्ड ना देने के कारण, तो आपको क्या लगता है, आपको उम्मीदें लगती है कि हाँ क्या आपका जो सुनवाई है आपकी होगी यहाँ पर? सर हम उम्मीद तो है सर, हम इसी उम्मीद के साथ हम DO साहब से भी यहाँ पे मिलेंगे और शिक्षा मंत्री जी से भी मिलेंगे सर। मैसेज वगैरह फॉरवर्ड है आपके पास? कॉपी है। अच्छा ये कॉपी है किस चीज़ की? ये DO साहब ने लेटर इशू किया है सर वैली पब्लिक स्कूल को सर, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कि आप एनुअल चार्जिंग नहीं ले सकते, इसके बावजूद भी ये हमें रिजल्ट नहीं दे रहे हमारा सर। रिजल्ट रोक लिया गया आपका कि हमें एनुअल चार्ज मांग रहे हैं नेक्स्ट सेशन के लिए? रोक लिया, एनुअल चार्ज भी मांग रहे हैं। रिजल्ट भी आज दिया है सर उन्होंने, अदरवाइज रोका हुआ था रिजल्ट भी, आज दे दिया सर उन्होंने जी। जो अभी DO का लेटर आया ना उन्होंने दिखाया तब जाके रिजल्ट दिया उन्होंने, नहीं तो इसे लटका के रखा हुआ था इन्होंने। जिन्होंने फीस दी है अभी भी उनका दिया, बाकी किसी का नहीं दिया। फीस लास्ट ईयर 2300 थी बट अब 5500 कर दी गई है, और जो पिछले साल के एरियल चार्जेस थे वो भी अब की बार लगा दिए।